चलिए शुरू करते हैं। बताइएगा वह प्रथम देश कौन है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? न्यूजीलैंड। कब दिया था? 1800। ठीक जा रहे हैं, बोलिए। 1893। 1893। तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया? 1919 का भाषा अधिनियम के तहत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को प्राकृत समिति में कुल सदस्य देशों की संख्या, लोक लेखा समिति में 22। आप लोग बताइएगा वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? ठीक है, वाशिंगटन में है। वाशिंगटन डीसी में, डीसी का मतलब क्या होता है? कोलंबिया। चलिए बताइएगा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसे माना जाता है? बेंजोइक अम्ल, सोडियम बेंजोएट। कहीं कहीं पदार्थ देगा तो सोडियम बेंजोएट। ठीक है, लाइसोसोम का खोज कौन किया था? डीडुबे। लाइसोसोम क्या कहते हैं उसको? आत्मात्या की पहली कहते हैं। अब बताइए लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को जनता का सदन। ठीक है, और राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन। ठीक है, तो इसको अस्थायी सदन में कहा जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा वर्णांधता से संबंधित जो रंग है कौन कौन है? लाल और दोनों का पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा केंद्रीय असेंबली में बम कौन कौन फेंका था? कोटकेश्वर दत्त और आप लोग। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? आय समिति 1949 में। अध्यक्ष इसके कौन थे? पीसी महालोबी। कौन मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? जून को मनाया जाता है। आप लोग बताइएगा सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आप लोग तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। बहुत अच्छा, आप लोग बताइएगा मेरी 51 कविताएं का संकलन किसने अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा? आप लोग बताइएगा विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसको एक और वंश के नाम जानते हैं? संगम। तो इस संगम कब कैसे नाम पड़ा? पिता का नाम, पिता के नाम पर। चलिए आप लोग बता दीजिएगा आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। आप लोग बताइएगा द चाइल्ड इज मदर ऑफ मैन के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन वाद्य यंत्र? वीणा। आप लोग देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। इसको एक और नाम से जानते हैं? पैगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सूर्य मंदिर भारत में कहाँ कहाँ है? बिहार में है या बिहार में है, गुजरात में, एक बिहार में, एक गुजरात में, एक जम्मू कश्मीर में, एक उड़ीसा में। याद हो गया, चार जगह, बिहार, गुजरात, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर। उसी में आपका मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर खूब पूछ जाता है। जो कहाँ है? गुजरात। गया, औरंगाबाद में। औरंगाबाद ही बिहार में एक जिला है। ठीक है, चलिए बताइएगा प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड जो है किस राज्य में? गोवा। ठीक है, गोवा में है। आप लोग बताइए काकतीय कहाँ का शासक था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सही है। आप लोग बताइएगा मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? बाज बहादुर। आप लोग बताइएगा सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। आप लोग बताइए राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है? नीला रंग। आप लोग बताइएगा बुल्लू मतलब नीला मिलेगा। चलिए बताइएगा ताइवान का पुराना नाम? फार्मोसा। आप लोग आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। आप लोग देखेगा बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24। ठीक है, आप लोग देखेगा मंसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? अकबर। आप लोग देखेगा पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
सौर पर राधा कृष्ण जो दो बार उपराष्ट्रपति बने उसके बाद एक बार राष्ट्रपति बने, ठीक है। चलिए बताइएगा विधवा गृह की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद से। विधवा गृह का स्थापना ये हो जाएगा डीके कर्वे के द्वारा, ठीक है। बताइएगा समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? गुजरात। केरल। आप लोग बताइएगा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके, ठीक है। आप लोग बताइएगा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश अमेरिका के कौन राष्ट्रपति दिए थे? मैन हो जाएगा हैरी ट्रूमैन। आप लोग बताइएगा गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को एक और नाम से जानते हैं मामलुक वंश और दास वंश, ठीक है। याद रखिएगा दास वंश तो सब जानते हैं, मामलुक वंश याद रखिएगा मामलुक वंश। अब देखा गौरी मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? बोलिए संसौनी वंश, ठीक है। आप लोग बताइएगा अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय? 70 मिनट है। कहाँ पे 60 मिनट? अभी 70 मिनट ही है, ठीक है। अभी 70 मिनट ही, 60 मिनट हो गया। कब हुआ है? बताइएगा ध्वनि की इकाई डेसिबल। तो हॉकी का जो फुटबॉल सॉरी हॉकी का तो 70 मिनट है, फुटबॉल का 90 मिनट। आप लोग देखा परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -1.5°C। धौला बीड़ा कहाँ है? गुजरात में है। तो भारत में हड़प्पा कालीन स्थल सबसे बड़ा राखी और पूरे हड़प्पा में पूछा तो मतलब पूरे सिंधु मोहनजोदड़ो। जौनपुर शहर का स्थापना? फिरोजशाह। जौनपुर को भारत का क्या कहा जाता है? सिराज कहा जाता है। आप लोग बताइए पूर्व का सिराज भारत का सिराज वही बात हुआ, ठीक है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान मतलब शरीर का कौन अंग है? लीवर। लीवर या किडनी सही है। आप लोग बताइएगा आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे? कौन बताया था? मैक्स मूलर। आप लोग देखिए क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। आप लोग देखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? मैडम क्यूरी को, मतलब पहली बार मैडम क्यूरी 1903 और 1911 कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को जाना जाता है। आप लोग देखिएगा प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ठीक है। आप लोग बताइएगा हिटलर कमीशन का श्रम संबंध किससे था? श्रम से। श्रम से। और विजयनगर साम्राज्य के भगवा शेष किस नदी के हम्पी तो जगह है, भगवा शेष में हम्पी आ जाएगा जगह जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। आप लोग बताइएगा हम्पी कर्नाटक में स्थित है, जो कर्नाटक का एक बेलाड़ी जगह है वहीं पर। आप देखिए धोनी के विरुद्ध किया गया कार्य होता है? ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा क्योंकि ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़े हैं ना, तो अगर यहाँ साउंड सर्विस बज रहा है उसको दाबिया कुछ होगा उस पर, इसलिए ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक। आप समझ गए? चलिए बताइएगा हाथी गुम्फा एक अभिलेख है कहाँ है? प्रथम तिथि रहित अभिलेख है। आप लोग देखा ऋग्वेद में कितने मंडल? सूक्तों की संख्या 10 और 22। आप लोग बताइए 10462 17 बार के लिए पाठ को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 आ जाएगा। 10400 क्या एक उसमें 17 किसका है? वल्खिल पाठ का है कि 11 है? वल्खिल पाठ का 17 है ना, 17। चलिए बताइए खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। किसके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद। तो ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है? 2002 से। और राजीव गांधी खेल पुरस्कार 1991। सबसे पहले किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को। तो अभी इसका नाम बदल दिया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। इसमें राशि कितना दिया जाता है? 25 लाख। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? ठीक। आप लोग बताइएगा हर एक अंतिम शासक बता रहे थे, ठीक। आप लोग बताइएगा सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर।
गांधी फिल्म को कितना ऑस्कर अवार्ड मिला? 8 8 ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929। आप लोग बताइएगा पिनाक भारत का क्या है? बहुबैरल रॉकेट प्रणाली है। आप लोग बताइएगा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको नाइट की उपाधि सम्मानित किया था? गावस्कर को। आप लोग बताइएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? 19 जून 1999 को। खजुराहो का मंदिर कौन सा बंद करवाया? जो 1000 वर्ष पुराना है और मध्य प्रदेश राज्य में 70 जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए बताइएगा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? नहीं, समाजवादी वो तो थे आपका बहुजन समाज पार्टी का। ठीक है, और समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, समाजवादी पार्टी का सपना के तो ठीक है। आप लोग बताइएगा दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या करके बैठने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग बताइएगा दिल्ली अभी दूर है। तो गांधी जी किससे प्रभावित थे? ग्रेनाडा है कैरेबियन सागर में। ठीक है, आप लोग बताइएगा लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन एवं नमी हो जाएगा। ऑक्सीजन एवं नमी। अब लोहा में जंग लगेगा तो उसका भार में बढ़ेगा। आप लोग देखिए लोहासे पर्वत कहाँ है? नेपाल में। सही है, बहुत अच्छा। आप लोग बताइएगा भारत को ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक कब मिला? 1928 के एमएस प्रोग्राम में। ठीक है, आप लोग बताइएगा ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। आप लोग नागालैंड की राजकीय भाषा? अंग्रेजी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 86। तो एक है स्पीड पोस्ट सोबाने, पुस्तक है सोबाने, नोवेल है, मतलब सोबाने के द्वारा लिखी गई है। आप लोग बताइएगा तारे का रंग क्या सूचक होता है? ताप का। आप लोग बताइएगा कौन ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? ब्रोमीन। अगर धातु में कहे सामान्य ताप पर पारा, 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 सामान्य ताप पर पारा आता है? नहीं, गैलियम नहीं, गैलियम। ठीक है, आप लोग बताइएगा साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है? केरल में। उसी को मुख्य घाटी कहीं कहीं आपसे पूछ देगा, मुख्य घाटी कहाँ है? केरल में। मौन घाटी मुख्य घाटी पास एक ही। ठीक है, साइलेंट वैली। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। आप लोग बताइएगा, चलिए आपका सातवां सेट शुरू होता है। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाथ होता है। आप लोग मधुशाला के रचयिता बच्चन। आप लोग बताइए दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आप लोग मार्टिन लूथर किंग ने कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किए थे? रंग भेद विरोधी आंदोलन। जिप्सम का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम। और शरीर की सूक्ष्म इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 में मृत कोशिका में किया था। ठीक है, आप देखा ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? इससे भी आपसे पूछेगा ग्रेनाइट कौन चट्टान है? आगे चट्टान है। ठीक है, चलिए बताइएगा सबसे विशाल जो रेगिस्तान है सहारा अफ्रीका किस भाग में है? उत्तरी भाग में है। ठीक है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। तो विश्व में वह कौन ऐसा जो मरुस्थल है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? और लगभग वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 86 व्यक्ति निवास करता है वहाँ पर। ठीक है, चलिए बताइएगा प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा? महिला विरोधी आंदोलन का मतलब हिंदी इंग्लिश में जाएगा प्रोटेस्ट आंदोलन। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा, वो जूनियर अलग थे का? जूनियर था सिविल राइट। हाँ, ये है जर्मनी वाला। हवा में ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है ना कितने प्रकार का होता है?
रेडियो एक्टिव तत्व तीन प्रकार का, अल्फा बीटा और गामा। आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित हुआ? आनंद मत से, ठीक है? चलिए बताइएगा मोहम्मद गजनवी के काल अवधि में कौन सा इतिहासकार अलबरूनी हो जाएगा? सही है। चलिए बताइएगा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2। अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से एक पुरस्कार देता है शांति का, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो और अभी 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? मिला है ईरान की महिला, नरगिस मोहम्मद, नरगिस मोहम्मदी। याद रखिए नरगिस मोहम्मदी, ठीक है? नाम है इसका नरगिस मोहम्मदी को अब की बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए बताइएगा ऑस्टियोलॉजी में किसका नाम करते हैं? ऑस्टियोलॉजी। तो मैं मेलोलॉजी में, तो अच्छा मैं मेलोलॉजी में बोलिए अस्तनधारियों का, ठीक है? अस्तनधारी जीवों का अध्ययन मैं मेलोलॉजी में करते हैं। और मायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मायोलॉजी, माइकोलॉजी नहीं, मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है? चलिए बताइएगा भारत में मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1957, ठीक है? दशमलव प्रणाली 1957। ये सब चीजें याद रखिए, ये सब चीजें इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सब बोलना नहीं है। चलिए हाँ दोनों। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995। और भारत में आपका जो क्या पढ़ते हैं जो अभी मिड डे मील 1995। मिड डे मील की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तमिलनाडु से हुआ था। आप लोग बताइएगा नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है किस दिशा में बहती है? पश्चिम। क्या यह एस्टुरी बनाती है? नहीं, यह एस्टुरी बनाती है, ठीक है? नर्मदा और ताप्ती एस्टुरी बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक? कंफ्यूजन नहीं होना, हम उल्टा कर दिया है तो कंफ्यूजन होगा। हम कहते हैं कि डेल्टा बनाती है तो बोलते आप है, यही इसलिए हम एस्टुरी पूछ दिए। एस्टुरी का निर्माण करती है लेकिन डेल्टा का निर्माण नहीं करती। हाँ, कावेरी जो नदी है डेल्टा और एस्टुरी दोनों बनाती है, और नर्मदा और ताप्ती जाके कहाँ गिर जाती है? और अब और ज्यादातर जो नदियाँ है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला वो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है? चलिए बताइएगा निकोलो कांटी जो आया था इटली का निवासी था, किसके दरबार में? देवराय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 ईस्वी में आया था, ठीक है? चलिए बताइएगा नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739। तो जब नादिर शाह आया था भारत में तो इसी के समय में एक युद्ध हुआ था करनाल का युद्ध, खूब पूछता है ये भी 1739 में हुआ था। और इसमें क्या किया था? ये कह दिया था कि पूरे दिल्ली में क्या किया, दमनकारी नीति शुरू कर दिया था, कटवाला शुरू कर दिया था, ठीक है? आप तो ये नादिर शाह उस समय था, ईरान से था, इसको ईरान का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। और यहीं से ये क्या ले गया, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था। और मयूर सिंहासन को बनवाने वाला शासक कौन था? शाहजहां। और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, ठीक है? इसलिए क्योंकि वो तो खुद दरबार में नंगे घूमता था और उसको महिलाओं से पूरा ज्यादा लगाव था, ठीक है? अगर वो अच्छा रहता तो मतलब कुछ लड़ता, ठीक है? वही रंगीला बादशाह उसी को जानते हैं। और उसी में उसके बाद पढ़ते हैं कि फर्रुख सियर हुआ तो वो घृणित कायर के नाम से उसको जानते हैं। और घृणित कायर इससे कहा जाता है क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ उसको फर्रुख सियर को, और वो क्या कहता है इसी के समय में उसको दे दिया था अंग्रेजों को, गोल्डन फरमान जारी कर दिया था कि आइए अब व्यापार करिए, ठीक है? जैसे गोलकुंडा के शासन में भी जो फरमान जारी हुआ था ये भी फर्रुख सियर ने जारी कर दिया था 1717 में फर्रुख सियर ने भी फरमान जारी किया था अंग्रेजों को। चलिए बताइएगा महात्मा गांधी के राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। और महादेव का महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? रानाडे को ही कहा जाता है। और भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति एकमात्र हुए? चलिए बताइएगा लोकसभा सत्र कम से कम एक साल में कितने बार बुलाया जाता है? दो बार। चलिए बताइएगा तो भारत में अभी मतलब भारत में लोकसभा का विघटन अंतिम बार कब हुआ था?
1999 राइट आंसर है। 1999 के बाद से लोकसभा का विघटन नहीं हुआ। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना के तहत? 85 अनुच्छेद के तहत। बहुत अच्छा। चलिए बताइएगा, इबादत खाना अकबर के द्वारा बनाया गया था, 1575 में बनवाया था, ये कहाँ स्थित है? ऐसे ऐसे खाली कर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी, आगरा। सही है, ठीक है। चलिए बताइएगा, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, किसके? गए थे 1893 में, गए थे यहाँ से, किसके कार्य के लिए गए थे? अब्दुल्ला को लेकर गए थे। कहा 1893 में दक्षिण अफ्रीका। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अस्थायी रूप से दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आ गया? 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। लेकिन उससे अगर अस्थायी रूप से कहे तो, लेकिन बीच में एक बार और आए, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। आपसे पहली बार आए थे बीच में, लेकिन अगर अस्थायी रूप से पूछे तो 1915 में 9 जनवरी को, और उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और वे कब से मनाया जा रहा है? तो 2003 से। और 2003 में पहली बार मलेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? प्रवीण जगन्नाथ की अनुरुद्ध जगन्नाथ प्रवीण जगन्नाथ को बुलाया गया था, मतलब मुख्य अतिथि के रूप में वही थे 2003, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। बम भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। आप लोग बताइए, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट के साथ हुआ था, वो मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब। सही है। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 1718 में, ठीक है। चलिए बताइएगा, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस गवर्नर जनरल से? लॉर्ड रिपन। तो आगे बताइए आप लोग, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। तो एक प्रोटेम स्पीकर होता है, वो कब होता है? लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो सबको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुना जाता है, ठीक। ये कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति चुनते हैं। पहले बताइएगा, पहली बार राष्ट्रगान, जो राष्ट्रगान अपना जनगण मना है, पहली बार कब गाएगा था? 28 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? ईसा नारायण धर। और यहाँ पर अगर वंदे मातरम हो जाएगा तो ये भी कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में, इसमें अध्यक्ष इब्राहिम तुला सियानी थे। अगर जनगण को गाने में तो लगता है कितना 9 सेकंड, अगर उसको स्पीड में गाएंगे, संक्षिप्त रूप में गाएंगे 20 सेकंड। और वही आपसे पूछा कि राष्ट्रीय गीत जो है 65 गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। आर्गन एक कैसा गैस है? सक्रिय गैस है। आपको बताइएगा, निष्क्रिय है, ठीक है, निष्क्रिय गैस है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, कारण? दाब बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक उसका बढ़ जाता है, ठीक। चलिए बताइएगा, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कोंडदेव। और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल का जो फूल अभी जो नया संसद बना है, इसमें राज्यसभा का जो आंतरिक भाग है उसमें राष्ट्रीय फूल कमल को रखा गया है, और लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी मोर को रखा गया है, और पूरे उसके परिसर में क्या रखा गया है? राष्ट्रीय पक्षी, सॉरी, राष्ट्रीय पेड़ बरगद को रखा गया है। तो राष्ट्रीय पेड़ बरगद जो है, इसका रासायनिक नाम वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राष्ट्रीय फूल कमल है, इसको क्या कहते हैं? पक्षी मोर है तो पावर। तो आप जलीय जीव कौन हो जाएगा? डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। और इसका रासायनिक मतलब वैज्ञानिक नाम गैंगेस्टिका प्लेटिना। तो इसमें बता दिए, विरासत पशु हाथी है, हाथी का वैज्ञानिक नाम है। और यह विश्व मतलब विरासत पशु है, तो इसी में एक विरासत आ गया था, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। चलिए एक सेट और हो जाएगा, ठीक। देखिएगा, खाने वाला जो मशरूम जो होता है किस श्रेणी में आता है? कवक के श्रेणी में आएगा। और कवक का जो अध्ययन माइकोलॉजी कराता है, और सवाल का अध्ययन माइकोलॉजी। तो कवक की कोशिका भित्ति किसके ऊपर? तो जानवरों की कोशिका भित्ति, जानवरों में कोशिका भित्ति
पाया क्योंकि ये पादप कोशिकाओं में पाया था, जंतु कोशिकाओं में नहीं अनुपस्थित होता है। ठीक है, चलिए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, कृत्रिम बंदरगाह मुंबई, कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई, इंदौर बंदरगाह। और भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कांडला, कांडला का नया नाम बदल दिया गया, बंदरगाह का नाम बदल के नया नाम कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम कर दिया गया। ठीक है, यह ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक, आप लोग बताइएगा सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। सुंडागढ़ ये भी हिंद महासागर का ही है, गर्त है। अष्ट दिग्गज का संबंध किसे था? अष्ट प्रधान का शिवाजी से था। आप लोग देखिएगा प्रसिद्ध जो भारत में प्रथम सफल कागज का कारखाना कहाँ लगाया गया था? नेपाल नगर, उत्तर प्रदेश। अभी वर्तमान में नेपाल नगर कागज के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सफल कारखाना पूछे तो उत्तर प्रदेश में लगा था। ठीक, अब देखा वायुमंडल में समताप मंडल, समताप मंडल जो पाया जाता है इसी में ओजोन परत है, तो ओजोन परत का इसमें घनत्व सबसे ज्यादा होता है कि कम? ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है। तो ओजोन परत की जो मोटाई मापते हैं सही है। चलिए हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जानते हैं? कपिल देव को। अ प्लेइंग इट माय वे सचिन कुमार, अ सखाराम बाइंडर पुस्तक लेखक विजय तेंदुलकर, घासीराम कोतवाल ये भी विजय तेंदुलकर है, दो को लिखा है पुस्तक। आप बता दीजिए कि चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक लोकेश थानी, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक है लोकेश थानी। ये सब क्वेश्चन फर्स्ट बार सुन रहे हैं तो लिखते चलिए। लोकेश थानी क्वेश्चन जो नहीं आया लिखते चलिए, और नहीं आएगा तो फिर वीडियो में जो रिकॉर्ड हो रहा है देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्लोरोपिक्रीन किसका नाम है? आमिना सुदेश का है। आप लोग बताइए D2O का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाइड्रोजन के तीन समस्थानी कौन कौन? इसमें रेडियो सक्रियता का कौन दर्शाता है? ट्राइटियम। तो ऑक्सीजन के भी तीन समस्थानिक होता है, O8 17 O8 15 O8 16 O8 17 O8 18। ऑक्सीजन के भी तीन समस्थानिक होते हैं। ओजोन, ओजोन जो है वो थ्री, ऑक्सीजन का समस्थानिक नहीं है, ऑक्सीजन का अपरूप है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम जानते हैं? तानसेन का असली नाम क्या था? राम तनु पांडे। अपने महेश दास किसका नाम था? ठीक है, आप लोग बताइएगा ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम बलेश्वरी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:1836। कहीं कहीं ऑप्शन में 1840 मिलेगा, कोई अंतर नहीं है, जो ऑप्शन है वो मारिएगा। ठीक है, अब देखा विद्युतधारा का इकाई क्या है? एम्पीयर है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4। आप देखा चांदी का घनत्व कितना, सॉरी सोने का घनत्व कितना होता है? 24.19 सोने का घनत्व कितना होता है? 19.30। आप लोग बताइएगा हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर? ऊपर वाला सांड। ठीक है, आप लोग बताइएगा कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? कास्टिक सोडा बेकिंग में नहीं, साबुन बनाने में। चलिए आज के लिए इतना ही।